सर मैं कोई भूमिका बांधे सीधे अपने प्रश्न पे आती हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि एशिया में भारत में महिला ड्रॉप आउट संख्या सबसे कम है। 21वीं सदी में देश में तकरीबन प्राइमरी में 4.5% और सेकेंडरी आते आते ड्रॉप आउट की संख्या 18% हो जाती है। इसमें सिर्फ अगर लड़कियों के आंकड़े ले तो 28% तक रह जाता है। आंकड़े बता रहे हैं कि शिक्षा में सुधार कतई नहीं हुआ है। सर 3 साल पहले जहां लड़कियों के जहां ड्रॉप आउट की संख्या 14% थी, इस 3 साल में वो 14% से बढ़कर 17% हो गई है। तो मंत्रालय इसमें क्या कदम उठा रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मंत्री जी, ये जो ड्रॉप आउट का प्रश्न है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको पता है कि जिस छात्राओं के बारे में आपने कहा, अनेक कारण थे कि छात्राओं का ड्रॉप आउट क्यों होता है। उसमें एक बड़ा कारण था कि गर्ल्स के लिए, छात्राओं के लिए अलग टॉयलेट न होना भी एक बड़ा कारण था। और प्रधानमंत्री जी ने पहले ही वर्ष में ये घोषित किया कि 1 साल में सभी स्कूलों में टॉयलेट्स बनेंगे, और बन भी गए 4.5 लाख से ज्यादा स्कूलों में। और उसका परिणाम ये हुआ है कि ये ड्रॉप आउट उस कारण से जो हो रहा था वो कम हुआ। अब लेकिन एक कारण नहीं होता है, कारण बहुत है। पहले से 2009 में जो निर्णय किया, कानून आया, पहले से 8वीं तक की परीक्षाएं खत्म हुई। वो परीक्षाएं खत्म होने के कारण अब 9वीं में आकर सारे ड्रॉप आउट होते हैं, क्योंकि 9वीं में कुछ आता ही नहीं है उनको। क्योंकि अनेक स्कूलों की स्थिति पिछले 10 सालों में हमने देखा कि ये आना खाना जाना ऐसी स्थिति हो गई, केवल मिड डे मील स्कूल बनकर रह गए, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। इसलिए इस सरकार ने लर्निंग आउटकम्स तैयार किए, पहली से 8वीं तक हर विषय का क्या ज्ञान हर वर्ष में प्राप्त होना चाहिए, और ये अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स भी होती है, और इसी से टीचर्स का ट्रेनिंग भी 15 लाख टीचर्स का कर रहे हैं, जिससे शिक्षा इंटरेस्टिंग हो, रंजक हो, छात्रों को आना लगे कि मैं बैठूं। और ये होने के लिए ये बड़े कदम उठाए हैं, और इससे ड्रॉप आउट में बहुत परिणाम होगा। My advice applies to both minister as well as member also। योजनाएं तब काम करेगी जब उसको लागू करने वाले लोग होंगे। आप शिक्षा से जुड़ी रिक्तियों को बरसों नहीं भरते। छत्तीसगढ़ में तो और अन्य जगहों में भी ऐसे कई स्कूल है जहां केवल एक अध्यापिका के भरोसे स्कूल चल रहा है, तो ऐसे में कैसे काम होगा, मैं मंत्रालय से जानना चाहती हूँ। ये अपने देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये कहा गया है कि 30 का 35 में एक टीचर होना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ तो 25 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है। टीचर की कमी नहीं है, लेकिन सारे मुख्य शहरों में है, और 1 लाख गांव में एक टीचर का स्कूल है, तो ये क्यों होता है? तो डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं होता। इसलिए हमने सभी राज्यों को कहा है कि डिप्लॉयमेंट ठीक तरीके से होनी चाहिए, और अब अगली 15 तारीख को सभी देश के स्कूली शिक्षा मंत्रियों की कैब कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें भी ये विषय को हम प्राथमिकता से ले रहे हैं।